अनु भाई आओ साइलेंट रहा भाई थोड़ा सा तो करो पूरी करो थोड़ा नीचे कर लो इसको सर हम लोग चार पाँच महीने से ऑफिस टू ऑफिस या सीआरटी का भी प्रचार का चक्कर लगा रहे हैं सर हमारा मांग ये है कि हमारी भर्ती परीक्षा का परीक्षा हो गया है परिणाम भी आ गया है सर नियुक्ति प्रक्रिया इसकी बाकी है सर 17 नवंबर को इसका रिजल्ट आ चुका है और निदेशालय के पास जाओ तो पीएनपी भेजती है पीएनपी के पास जाओ तो निदेशालय भेजती है जो भी बेसिक शिक्षा डायरेक्टर है सरवन विक्रम सर वो एकदम केवल उहा पो की स्थिति में इसको बनाए हुए हैं बच्चों को बना रहे हैं क्या है शासन स्तर से रोक लगा रखा है सर इस भर्ती को विगत 5 महीने हो गए सर रिजल्ट आए हुए केवल इसमें केवल काउंसलिंग करा के नियुक्ति पत्र बांटना है सर ये भर्ती प्रक्रिया पहले पहले मैनेजमेंट के थ्रू होती थी माननीय योगी जी ने इसको 2019 में कैबिनेट के द्वारा इसको प्रतियोगिता के द्वारा कराया पहले परीक्षा के माध्यम से कराया और ये अध्याचन 2019 का है पहले प्रक्रिया मैनेजमेंट कराती थी अब इस पे सीटेट और सुपर टेट के माध्यम जूनियर सुपर टेट 17 अक्टूबर को हुआ अध्याचन ये अप्रैल का था अप्रैल में पेपर होनी थी लेकिन ये पेपर हुआ 17 अक्टूबर को 15 नवंबर को इसका रिजल्ट आया 5 महीने से हम लोग दर दर भटक रहे हैं कोई सुनने को तैयार नहीं अगर पीएनपी जाओ तो कहता है निदेशालय जाओ तो कहता है पीएनपी जाओ इलाहाबाद और लखनऊ का आए दिन हम लोग के संगठन के लोग अब 45,257 बच्चे इस परीक्षा में पास है और सरकार ने अभी तक यह नहीं क्लियर किया है कि कितनी सीटें हमारे पास रिक्त हैं। मंत्री आवास क्यों जा रहे थे? मंत्री आवास सर शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे हैं और ज्ञापन देने जा रहे हैं रही बात एक मिनट पुराने शिक्षा मंत्री जी ने चुनाव से पहले 30 दिसंबर का अल्टीमेटम दिया उन्होंने ट्वीट किया कि 30 दिसंबर से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी किंतु चुनाव बीत गया और अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया चालू नहीं हुई इस नाते नए शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद और जो ज्ञापन के माध्यम से अपना 6,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कराने के लिए हम लोग ज्ञापन देने जा रहे थे सबसे।